और सबसे पहले बात अफगानिस्तान की करेंगे, जहां की राजधानी काबुल में रॉकेट हमले की खबर आ रही है। काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर कई रॉकेट हमले किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रॉकेट एयरपोर्ट के करीब अशफा स्क्वायर से एक गाड़ी से दागे गए, लेकिन इसे काबुल एयरपोर्ट के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। उसे हवा में ही मार गिराया गया। अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। यह हमला ऐसे समय पर किया गया है जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने एक ड्रोन हमला करके आईएसएस के आतंकियों की कार को निशाना बनाया था। ये उस वक्त की तस्वीरें जब एयरपोर्ट को निशाना बनाकर रॉकेट से हमला किया गया। इसे अमेरिका ने स्ट्राइक बताया। ये कहा कि दरअसल एक कार को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि इसी कार में विस्फोटक थे और ऐसे में उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई है। इस विस्फोटक को अगर एक्टिव होने दिया जाता तो वहां पर कई लोग मारे जाते। ऐसे में रॉकेट से हमला किया गया। ये कल देर शाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि काबुल में स्थित है वहां पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की और आज एयरपोर्ट की ओर एक और रॉकेट हमला किया गया। काबुल पर रॉकेट का आज जो हमला हुआ है इससे पहले कल अमेरिका ने ड्रोन से आईएसएस के संदिग्ध आतंकी ठिकाने पर रॉकेट दागे थे। अमेरिका के मुताबिक आईएसएस आतंकी दूसरे आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले थे। Airport in Kabul. The cause of the blast still unclear at this stage. These are the latest pictures from there. Ijatullah Ahmed Jai is waqt Kabul se hamare sath live jud gaye hain. Ijatullah, is waqt kya taza sthiti hai? Aaj bhi airport par rocket se hamla kiya gaya. Kya bataya ja raha hai? Is waqt wahan kya mahol hai? Yahan dobara jo rocket firing ke taza khabar hai. खबर सच है कि काबुल सिटी में नज़दीक जो एक प्लेस है खैर खाने के नाम में, उसी जगह से एक गाड़ी के जरिए में काबुल एयरपोर्ट की तरफ से दो अलग अलग जगहों में रॉकेट फायरिंग हुए हैं। इस वन रॉकेट फायरिंग जो हुआ है उस रास्ते के बीच में हुआ है कि कोई लोगों और नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन दूसरे के घरों के बीच हुआ है उसके बारे में अभी तक कोई ताजा इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस जगह पर हमला किया गया है सूत्रों के हवाले से क्या खबर आ रही है, वहां पर कोई घायल, किसी की मौत, क्या सामने आ रहा है, ताजा स्थिति क्या है? वन फायर जो हुआ था वो रास्ते के बीच हुआ था, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन दूसरे वाले जो है उसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये भी हो सकता है क्योंकि वो घरों के बीच था दूसरे फायर, हो सकता है कोई जख्मी हो सकता है, लेकिन दूसरे के वाले में बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो फायरिंग हुआ है काबुल के नजदीक जो एक प्लेस है खैर खाने की तरफ से हुआ है एयरपोर्ट की तरफ। इजादुल्ला, साथ ही अमेरिका ने दावा किया है कि जो तमाम हमले कल हुए आज हुए वो उसने कराए हैं, एक तरीके से एयर स्ट्राइक वो बता रहा है। इस दावे की पुष्टि अमेरिका के किसी आधिकारिक तौर पर की गई है या फिर जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी है ये माना जा रहा है कि अमेरिका ने हमला किया है? तालिबान ये कहना है, मेरी बात हुई है नसरत जो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है, वो भी कहा है कि पहले हम रॉकेट फायरिंग हुआ है उसमें प्लेन के जरिए हुआ है और अमेरिका ने किया है, लेकिन इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया इजातुल्ला इस तमाम जानकारी के लिए। आपका दो तस्वीरें आपके सामने कल की और आज की, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बड़े हमले को नाकाम किया है, अमेरिका ने इसे एयर स्ट्राइक बताया है और ये कहा है कि एक कार में विस्फोटक होने की वजह से इस तरीके की एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया।
काबुल पर रॉकेट का आज जो हमला हुआ है, इससे पहले कल अमेरिका ने ड्रोन से आइसिस के संदिग्ध आतंकी ठिकाने पर रॉकेट दागे थे। अमेरिका के मुताबिक आइसिस आतंकी दूसरे आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले थे, लेकिन अमेरिकी ने ड्रोन से रॉकेट दागकर इस हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। ये अमेरिका के बदले की तस्वीर है। काबुल एयरपोर्ट पर आइसिस खुरासान के हमले के बदले में ये अमेरिका की पहली कार्रवाई की तस्वीर है। अफगानिस्तान ने अमेरिकी फौज के हटने से 48 घंटे पहले अमेरिका ने काबुल में ड्रोन से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। अमेरिका के मुताबिक निशाने पर थे आत्मघाती हमलावर, जो काबुल एयरपोर्ट पर एक और हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। ड्रोन से हुए अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद हामिद करजई एयरपोर्ट के पास के इलाके में जोरदार धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स के पास के इस गुलाई इलाके के खाजे बागरा से काले धुएं के गुबार उड़ते देखे गए। ये तस्वीर उस कार की है जिसके बारे में बताया जाता है कि आइसिस खुरासान के आतंकी इसी कार से काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले थे, जहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए ड्रोन के जरिए अमेरिका के रॉकेट हमले ने किस तरह कार के परखच्चे उड़ा दिए। रॉकेट के हमले से कार पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो गई। अमेरिका के मुताबिक ये कार विस्फोटकों से लदी हुई थी। काबुल में जिस जगह अमेरिका ने ड्रोन हमला किया, हमले के बाद वहां के हालात का जायजा आज तक ने लिया। काबुल नेशनल एयरपोर्ट से एक बड़े धमाके के खबर था, उसके अपडेट से ये है कि तालिबानों का कहने पर के बम ब्लास्ट नहीं है, धमाका नहीं है, लेकिन रॉकेट फायरिंग है। इस रॉकेट फायरिंग की वजह से जो गरों के बीच हुआ है, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग मरे हुए हैं। सारा बॉम्ब बोदम में खास्तम यागम चीज़ों बुद के पूरा पॉइंट करना सदा शवास रॉकेट शॉट हम सारा चिकेश बरामद व बीरून बरामदम कि बहुत कोई मुश्किल नहीं बुद मैं तो शिशो हम सारा मायदा शुदा बुद आज खुद हम तालिबान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आत्मघाती हमले की सूचना पर ही अमेरिका ने इस हमले को अंजाम दिया। हमारी तहकीकात जारी है, हम अभी तक नहीं कर सकते हैं कि मालूमात देता हूँ। इंशाल्लाह बाद में इसका मालूमात अच्छी तौर पर मालूम होगी। और एक शक है कि इस काम का दाइश का हाथ है, दाइश अपनी जराए के वसीले में इस हमले का मसूलत भी देता पहुंच होगी। अफगान अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन हमले में 3 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन जिन आत्मघाती हमलावरों को निशाना बनाकर ये हमला किया गया था, उनका क्या हुआ, इसके बारे में अभी साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सका है। अमेरिका ने कहा है कि वो हालात का आकलन कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमान के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि हम अभी भी इस हमले के नतीजे का आकलन कर रहे हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक हमले ने एयरपोर्ट पर आइसिस खुरासान के हमले के खतरे को रोक दिया है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि अमेरिकी हितों पर चोट पहुंचाने की साजिश जो भी रचेगा उसे नेस्त नाबूद करने में अमेरिका सक्षम है। 26 जुलाई को काबुल एयरपोर्ट आइस खुरासान के दोहरे ब्लास्ट में 13 अमेरिकी मरीन कमांडो समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वो हमलावरों को ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. कल यानी 31 अगस्त को अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान खाली कर देना है, लेकिन इससे पहले जो तस्वीर उभरी है वो यकीनन डरावनी है। काबुल से अहमद नवीद कावेश और इजातुल्ला अहमद जई के साथ
आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान की ताजा स्थिति क्या है। काबुल में कल अमेरिका ने एक आत्मघाती हमले को नाकाम करने के लिए ड्रोन से रॉकेट हमला किया। इस हमले में 3 बच्चों के मारे जाने की खबर है। कल अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को छोड़ने की आखिरी डेडलाइन है और इससे पहले आखिरी फ्रांसीसी विमान कल अपने वतन वापस लौट आया। ब्रिटेन ने भी अपना मिशन एयरलिफ्ट करीब करीब पूरा कर लिया है। उधर काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकियों के पहरे की तस्वीरें सामने आई हैं। अफगानी रेफ्यूजियों का पहला जत्था कोसोवो पहुंचा है। कल अमेरिका पूरी तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ देगा, यानी तालिबान का पूरी तरीके से वहां कंट्रोल हो जाएगा। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त तालिबान के रुख पर टिकी हुई हैं। आज तक ने तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए भारत के 7 रिश्तों पर उन्होंने क्या कहा। ما مطمئنن گفته میتونم که امارات اسلامی افغانستان اجازه نمیده که از خاک ما علیه کدام کشور دیگر خطر ایجاد شود. با می پالیسی و با می اساس ما اطمینان میتیم هم به کشور هند هم به کشورهای دیگر که از طرف ما برشان کدام تهدید وجود نخواهد داشت. در این مورد کدام چیزی که پخش شده یا آوازها و افواهات حقیقت نداره ما ایره رد میکنیم. شما میدانند که می موضوعات دیپلماتیک و وجودی سفیرها در کشورها یه کار متقابل است، از یک طرف نمیشه. ما خواهان ازی هستیم که تمام کشورها با ما روابط حسنه داشته باشه، به شمول هندوستان که کشور مهم منطقه است و در تاریخ با افغانستان روابط داشته و همچنان همکاری های داشته. ما می خواهیم که همکاری های سالمشان دوام بکنه، در رسای دیپلماتیک با هم روابط حسنه داشته باشیم. همچنان اگر نیاز میشه سفیرای ما هم در تمام کشورها خواهد بود و سفرهای کشورهای دیگر هم در افغانستان فعلا هم هستند، فضای اطمینانی برشان مساعد شده و ما ترجیح میدیم که روابط خوب با تمام کشورها داشته باشیم. نه، اول خب ما با باور ایمایی است که امریکای ها شاید اشتباهی نکنند که وقت تمدید بکن به خیرشان نیست و این سناتورایی که تداوم جنگ را در افغانستان میخواین و از بریتانیا باشه از امریکا، آنها شاید از این جنگ منفعت میبردن. باعث جنگ در افغانستان در 20 سال وجود نیروهای بیرونی بوده. اگر نیروهای بیرونی از افغانستان منفی شوه و افغان ها ایسی استقلالیت بکنن، تمام مسائل خودشان حل کرده میتونن. و البته به این معنی نیست که ما روابط با امریکا و اروپا نمیخواهیم، خوب روابط احسنه میخواهیم، روابط دیپلماتیک میخواهیم، ولی تجاوز و گذاشتن نیروی نظامی در افغانستان این به معنای دوام اشغال تلقی میشه. مردم افغانستان در این مورد حساس است. کسایی که در این مورد نظر میتونن از افغانستان درست شناسایی ندارن. अब बात नीमच की उस घटना की जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। चोरी के शक में एक शख्स को पिकअप वैन से घसीट कर मार डाला गया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों के घर को बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया। बेटा ने क्यों तो ठीक रहे हो अपने बच्चों। मध्य प्रदेश के नीमच में हुई आम मानवीय वारदात के बाद का ये पुलिसिया एक्शन है। चोरी के शक में एक आदिवासी युवक को पिकअप वैन से घसीटकर मारने के मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर के मकान पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। तस्वीरें देखिए, बुलडोजर से दबंग आरोपी के मकान की एक एक ईंट निकाली जा रही है। पूरे मकान को मलबे में तब्दील कर दिया है। वारदात का मुख्य आरोपी महेंद्र गुर्जर इलाके की सरपंच का पति है। बताया जाता है कि गुर्जर ने यह मकान काली कमाई से बनाया था। नीमच की घटना से हुई किरकिरी के बाद ये एक्शन है शिवराज सरकार का कि गुनाह करने वाले किसी भी सूरत में बचने नहीं पाएंगे। इन सभी आरोपियों के जो भी अवैध संपत्ति है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सभी चेक किया गया है और इसमें जिनके भी अवैध संपत्ति अतिक्रमण की संपत्ति है उन सबको ध्वस्त किया जा रहा है और जो भी इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने 3 आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से नेस्त नाबूद किया है। सरपंच पति महेंद्र गुर्जर का जेतलिया गांव में मकान तोड़ा गया, साथ ही पाटन में अमरचंद तथा सत्य नारायण नामक आरोपी के अवैध मकानों को भी तोड़ा गया है।
इससे पहले नीमच के कलेक्टर और एसपी गांव वाणदा में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और प्रशासन से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, जबकि इस शर्मनाक घटना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग चरम पर है। ये चारों पांचों घटनाएं देखेंगे आप तो लगातार एक के बाद एक बढ़ती गई हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है और सरकार ऐसे तत्वों को बैठे हुए मंत्री जो बढ़ावा देना है, भील को भी मारा गया, ये सब एक ही सरकमस्टेंस की अराजकता को बढ़ावा देने वाले इन मंत्रियों के बयानों से ही, मेरा सीधा आरोप है, इनके इन बयानों से ही ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है जिसकी वजह से कल कन्हैया बिल की मृत्यु हुई। ये वीडियो कांग्रेस को ही क्यों मिल रहा है? क्या कांग्रेस इसके पीछे षड्यंत्र में है? क्या कांग्रेस ये फैब्रिकेट कर रही है? क्या कांग्रेस ये वीडियो बनवा रही है और वायरल करवा रही है? क्या कांग्रेस हिंदुओं को बदनाम करना चाहती है? क्या कांग्रेस केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हिंदू और मुसलमान में झगड़ा कराना चाहती है? ये भी एक जांच। नीमच जिले की सिंगोली थाना क्षेत्र में हुई वारदात इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। वायरल वीडियो देखिए। एक भील को चोर होने के शक में कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा और फिर भी मन ना भरा तो एक पिकअप वाहन से पीछे रस्सी से पैर बांधकर दूर तक घसीट दिया। इतनी प्रताड़ना के बाद भी मन नहीं भरा तो घायल को फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इतनी पिटाई हुई कि अस्पताल जाते जाते उसकी मौत हो गई। इस मामले में 8 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 अभी भी फरार है। नीमच से आकाश चौहान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने देश को पहला गोल्ड दिलवा दिया है। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में सोने पर लगाया है सटीक निशाना। वहीं रोगेश कठौरिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर देश की झोली में एक और पदक डाल दिया है। अवनी ने आज तक से शेयर की गोल्डन मेडल जीतने की खुशी। उनसे बात की हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने। होता है अपनी कंट्री को पैरालंपिक्स में, मेरा भी था। मैं पिछले 5 साल से आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन पैरालंपिक्स और आई गॉट द चांस टुडे, सो इट फेल्ट रियली नाइस एंड आई वाज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माय फोकस। आई वाज नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट मेडल और वेयर आई एम in the medal tally. I was just taking one shot at a time and I'm feeling like I'm on top of the world and this feeling is inexplainable. ye medal mera nahi hai, pura India ka hai, so ye main sab sare Indians ko dedicate karna chahti hu and sabko main yehi bolungi ki just trust yourself, you can do anything if you believe in yourself. मैं तो इसकी गोल्ड की उम्मीद कर रहा था और कहा भी था गोल्ड लेकर आना, नहीं तो तुझे ठीक करूँगा, लेकिन कुछ बात नहीं है, वो सिल्वर मेडल मिली है तो मेरे लिए एक सोना है और नाम ऊंचा किया है, समाज में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके बराबर हो जाए गेम में। बहुत बड़ा काम किया इसने, नाम बहुत ऊँचा किया हमारा। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक।